हेलो, स्वागत है आपका टॉप लिस्ट पे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 10 सबसे जहरीले सांप कौन कौन से हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दसवें नंबर पर है ताइपन। ताइपन ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा खतरनाक सांप है। ये एक बार में इतना ज़्यादा जहर छोड़ता है कि उससे एक बार में 12,000 सूअरों की जान जा सकती है। इसका जहर भी न्यूरोटॉक्सिक होता है। अफ्रीकन ब्लैक माम्बा की तरह एंटी वेनिन बनने से पहले इसका कोई भी काटा हुआ इंसान बच नहीं पाता था। इसके काटने के एक घंटे के अंदर इंसान की मौत हो जाती है। नौवें नंबर पर है ब्लैक माम्बा। ब्लैक माम्बा तकरीबन पूरे अफ्रीका में पाया जाता है और यह सांप अफ्रीका में एक सांप काटने से होने वाली सबसे ज्यादा मौतों के लिए जिम्मेदार माना जाता है। यह धरती पर सबसे तेज चलने वाला सांप है, जो कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अपने शिकार का पीछा कर सकता है। खतरा महसूस होने पर यह लगातार 10-12 बार काटता है और 400 मिलीग्राम तक जहर इंसान के शरीर में छोड़ देता है। जहां पे इसने काटा होता है उस हिस्से पर बहुत ही तेज दर्द हुए महसूस होता है इंसान को और काटने के 15 मिनट से लेकर 3 घंटे के अंदर इंसान की मौत हो जाती है। अफ्रीका में ये सांप इतना ज़्यादा पाया जाता है कि कोई भी सांप का काटा हुआ मरीज अस्पताल में पहुंचते ही सबसे पहले इसी सांप का एंटीडोट मरीज को दिया जाता है। आठवें नंबर पर है टाइगर स्नैक। यह स्नैक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और इसके अंदर बहुत ही पावरफुल न्यूरोटॉक्सिक जहर होता है। इसके काटने के 30 मिनट से 24 घंटे के अंदर इंसान की मौत हो जाती है। एंटीवेनिन बनने से पहले इसके काटने से मरने वालों इंसानों की संख्या थी वो 70% थी। इसके बावजूद भी इंसानों के लिए ये ज़्यादा खतरनाक नहीं है, क्योंकि इंसानों से मुठभेड़ होने पर यह भाग जाता है। ये सिर्फ उसी स्थिति में काटता है जब किसी कोने में हो या फिर भागने की कोई जगह नहीं हो। सातवें नंबर पर है फिलिपिनी कोबरा। कोबरा की अधिकांश प्रजातियां जहरीली नहीं होती हैं, पर फिलिपिनी कोबरा इसका अपवाद है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह शिकार को डसने की बजाय उस पर दूर से जहर थूकता है। ये 3 मीटर की दूरी से भी शिकार पर जहर थूक सकता है। ये एक बार में काफ़ी मात्रा में जहर थूकता है। इसका जहर न्यूरोटॉक्सिक होता है, जो कि सीधे हमारी जो सांस लेने की जो प्रणाली होती है और जो हृदय तंत्र है उस पर सीधा असर दिखाता है। जहर तत्काल अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। सांस लेना बेहद मुश्किल हो जाता है और नतीजा होता है कि हार्ट अटैक। इसके जहर के थूकने के आधे घंटे के अंदर शिकार की मौत हो जाती है। छठे नंबर पर है सो स्केल्ड वाइपर। वाइपर वैसे तो पूरे संसार में पाए जाते हैं, लेकिन इनकी अधिकांश प्रजातियां जहरीली भी होती हैं, लेकिन सबसे जहरीली प्रजाति सो स्केल्ड वाइपर होती है। और चैन वाइपर भारत, चीन, साउथ ईस्ट एशिया में पाई जाती है। यही सांप भारत में सांपों के काटने से होने वाली मौतों के सबसे ज़्यादा जिम्मेदार पाए जाते हैं। ये सांप प्राय बारिश होने के बाद शिकार की तलाश में निकलते हैं और बन जाते हैं इंसानों के दुश्मन। काटने के आधे घंटे के भीतर इंसान खत्म हो जाता है। वाइपर के काटते ही जिस हिस्से में इसने काटा है वहाँ तेजी से खून बहना शुरू हो जाता है। पूरे बदन में जानलेवा दर्द शुरू हो जाता है। मसूड़ों में से खून निकलना शुरू हो जाता है और ब्लड प्रेशर में तेजी से गिरावट आती है और आदमी कई बार खून की उल्टियाँ भी करता है और नतीजा होता है मौत। पांचवें नंबर पर है डेथ एडर। यह सांप ऑस्ट्रेलिया और न्यू गुइना में पाया जाता है। यह सांप लगातार घात लगाकर दूसरे सांपों का शिकार करके खा जाता है। यह एक बार में 100 mg तक जहर शिकार के शरीर में छोड़ सकता है। हालांकि ये काफी विषैला है, फिर भी इंसानों के लिए इतना खतरनाक नहीं है, क्योंकि इसके विष का शरीर पर बहुत धीरे असर होता है। इसके विष का पूरी तरह असर होने में 6 घंटे तक लग जाते हैं, इसलिए एंटीवेनिन इसके इलाज में काफी कारगर है। हालांकि एंटीवेनिन की खोज से पहले इतना धीरे असर होने के बावजूद मरने वालों की संख्या सिर्फ 50% तक थी। इसकी एक और विशेषता है जो कि इसको घातक बनाती है, वो है 13 सेकंड के भीतर दोबारा वार करने की क्षमता। चौथे नंबर पर है रैटल स्नेक। यह उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा जहरीला सांप है। यह सांप अपनी पूंछ के आखिरी सिरे पर बने छल्लों के कारण आसानी से पहचाना जा सकता है। यह जब अपनी पूंछ को हिलाता है तो यह छल्ले झुनझुने की तरह आवाज करते हैं, इसलिए इसका नाम रैटल स्नेक पड़ा है। यह सांप अपनी कुल लंबाई के 2/3 हिस्से तक वार कर सकता है, जो कि बहुत ज्यादा है। यह सांप बहुत ही गुस्सेला होता है। इस सांप की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके बच्चे बड़ों से ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि बच्चों में बड़ों से ज्यादा जहर होता है। बड़े होने के साथ जहर कम होता जाता है। इसके शरीर में हेमोटॉक्सिक जहर पाया जाता है। इस जहर के प्रभाव से ह्यूमन टिश्यू खत्म होने लगते हैं, ब्लड क्लॉटिंग बंद हो जाती है। इसके काटने के बाद 10 से 15 मिनट के अंदर एंटीडोट अगर दे दी जाए तो ही बचने के चांस हो सकते हैं, अन्यथा मौत निश्चित है।
तीसरे नंबर पर है ईस्टर्न ब्राउन स्नेक। ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला यह सांप बहुत ही जहरीला होता है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसके जहर का 14,000वां हिस्सा भी किसी इंसान को खत्म करने के लिए काफी है। उससे भी खराब बात तो यह है कि यह ऑस्ट्रेलिया में इंसानी इलाकों के आसपास ज्यादा पाया जाता है। इस सांप का एक छोटा सा बच्चा भी किसी इंसान को मौत के घाट उतार सकता है। इसकी चाल बेहद तेज होती है और ये एक बार खतरा महसूस होने पर पीछा करके काटते हैं। इसके काटने के बाद आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है, बहुत तेज दर्द होता है, बहुत ज्यादा खून बहने लगता है जिससे मरीज मर भी सकता है। काटने के 5 मिनट के भीतर इंसान खत्म हो जाता है। यह सांप केवल मूवमेंट पर ही प्रतिक्रिया करता है, इसलिए कभी भी इस सांप से आपका सामना हो तो बिल्कुल स्थिर रहिए, यही आपके लिए बढ़िया उपाय है। दूसरे नंबर पर है इनलैंड टाइपन। यह सांप जमीन पर पाए जाने वाले सांपों में से सबसे जहरीला है। इसकी एक बाइट में 100 मिलीग्राम तक जहर होता है, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी ये इतना घातक होता है कि 100 इंसानों को मौत की नींद सुला सकता है। इनका जहर रेटल स्नेक की तुलना में 10 गुना और कोबरा की तुलना में 50 गुना ज्यादा घातक होता है। यह सांप आबादी से दूर रहना पसंद करता है, इसलिए इंसानों से इसका आमना सामना बहुत ही कम होता है, लेकिन यदि ऐसा हो भी जाए तो वहां से बच निकलने की कोशिश करता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इस सांप के द्वारा इंसानों को काटने का कोई मामला आज तक रिकॉर्ड नहीं हुआ है, इसलिए इसे संत सांप की उपाधि भी दी जाती है। पहले नंबर पर है समुद्री सांप, इसको सी स्नेक भी बोला जाता है। सी स्नेक दक्षिण पूर्वी एशिया और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यह सांप इस संसार का सबसे जहरीला सांप है। इसके जहर के कुछ मिलीग्राम बूंदे ही 1,000 इंसानों की मौत के लिए काफी हैं। हालांकि ये समुद्र में पाए जाने के कारण इंसानों के लिए इतना खतरनाक नहीं है, केवल मछुआरे ही मछली पकड़ते वक्त कभी कभार इसका शिकार होते हैं। यह अधिकतर मौकों पर इंसानों को काटने से बचता है, लेकिन बहुत ही रेयर केस होता है जहां पे देखा गया कि किसी इंसान को इसने काटा हो। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।